भाई ले भी आओ, भूख से जान निकली जा रही है। ऐसी कौन सी खीर बनाने लग गई है, पता नहीं क्या कर रही है किचन में, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो ला रही है भाभी, थोड़ा हौसला करें, आप भी इंसान के सर पे ही चढ़ जाती हैं। भाई सर पे कहाँ चढ़ी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ। अंधी तो नहीं हो गई सभी तुम? ये लीजिए आ गई खीर। अम्मी वासिफ नहीं आया? नहीं बेटा, बाहर गया हुआ है, पता नहीं सुबह से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा आप लोग खीर तो खाइए और बताइए कैसी है। अच्छा आओ तो सही, तुम बैठो तो। जी बैठ रही हूँ। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या खीर बनाई है बेटा तुमने। थैंक यू मम्मा। जाओ फिर भैया, बेटा वो सेट लेकर आना मेरे रूम से। जी जाती हूँ। सेट कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए रखा हुआ था, अभी दिखाती हूँ। लो भाई इनको तो सेट मिल रहे हैं, हमें तो यहाँ पे एक अंगूठी नहीं मिली थी भाई, तुम्हें तो पूरा ब्रेसलेट मिल रहा है। ये ले अम्मी सेट। हेलो बेटा। अरे अम्मी नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे ले लो, मेरी तरफ से तोहफा समझो। भाभी ले ले, कभी कभी मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आयशा तुम भी ना। ये लो बेटा। अरे है वही बहन, दिखाओ तो सही अम्मी ने क्या दिया है तुम्हें। आपको इससे क्या, अम्मी ने मुझे जो मर्जी दिया हो। अरे भाई दिखा दो, इतनी भूखी शोधी क्यों बन रही हो। हमारे पास भी इससे बड़े बड़े सेट हैं, मांग क्या लिए, इसकी तो हवाएं उड़ गई हैं। आई बड़ी, और दिखाओ ज़रा ये खीर मुझे किस तरह की बनाई है अम्मी, ज़रा स्पून तो दिखाइएगा। आय हाय, चीनी इतनी कम रखी है, किसी काम की नहीं बनाई। आप खुद बना लेती अपने लिए। लो भाई खुद बना लूँ, खुद ही बनाती हूँ अपने लिए रोज़। आई बड़ी खुद बना लो। हटाओ भाई इस गंदी खीर को। फिर तुम इसकी बात का बुरा मत मनाना। नहीं कोई बात नहीं अम्मी। हाँ भाई मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैं हर वक्त बेइज्जत करती रहती हूँ सबको। वासिफ कहाँ गए थे तुम? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सुबह के 10 बजे गए थे और अब देखो क्या टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज गए हैं। यार मैं दरअसल इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू? किस चीज़ का इंटरव्यू? तुमने खुद ही तो कहा था कि कोई जॉब करो, तो मैं गया हूँ। फिर 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं, अब देखते हैं कॉल आएगी, अगर रख लिया तो ठीक है, वरना फिर देखूँगा कहीं और। ओ चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। अच्छा तुमने खीर बनाई थी? हाँ बना ली थी यूट्यूब से देखकर, मैंने भी तो तुम्हें यही कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन फबीहा भाभी ने ज़्यादा अच्छी वीडियो लगा कर दी थी। चलो कोई नहीं, बन तो गई ना। अच्छा तुम चाय पियोगे? हाँ पीऊँगा, नीचे चलते हैं, नीचे जाकर चाय वगैरह पीते हैं फिर। चलो ठीक है चलो। भाई वासिफ बेटा कहाँ गए थे? आज मेरी बहू ने खीर बनाई थी और तुमने तो वो भी नहीं खाई। मम्मा इंटरव्यू देने गया था यार जॉब के लिए। जॉब के लिए? तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पाप का अपना बिजनेस है बेटा, तुम वहाँ पर भी तो काम कर सकते हो। नहीं मम्मा मैं जॉब ही करूँगा, मेरे लिए जॉब ही सही है। पर बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें बिजनेस संभालना चाहिए ना। अरे भाई अम्मी जाहिर सी बात है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वासिफ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। भाई वासिफ का तो कोई हिस्सा बनता भी नहीं था, सारा बिजनेस तो मेरे शोहर ने संभाला है और इतना बड़ा कर दिया बिजनेस, इतना पैसा कमा रहा है, अब ये आ जाएगा अपना हिस्सा लेने के लिए, तो ये सही तो नहीं रहेगा ना। अच्छा तुम चुप रहो। अरे भाई अम्मी मैं क्यों चुप रहा हूँ, जो सच बात होती है वो आप लोग सुनते नहीं हैं। बस कर दें, बिजनेस जिस मर्जी का हो, बिजनेस उसके पापा का है और हिस्से तो सबको ही मिलेंगे, और आपसे हिस्सा तो हम लेकर ही छोड़ेंगे। फरत ही किस तरह की बातें कर रही हो तुम, क्या हो गया वासिफ, तुम उनकी बातें नहीं देख रहे, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ भाई मैं भी देख लेती हूँ कैसे लेती हो तू हिस्सा। आई बड़ी हिस्सा लेने वाली। बस कर दो अजरा, और फरत तुम भी बस कर दो, हर वक्त लड़ती रहती हो दोनों, हर वक्त लड़ती रहती हो। सारे बर्तन आज मैंने धोए हैं। तो क्या हो गया भाभी, पहली बार ही धोए हैं? आयशा तुम तो मुंह बंद करके बैठो, हर वक्त ऐसी बैठी रहती है, जब देख लो मुंह उठा के। अरे भाई ये क्या बदतमीजी है, मैं तो पूरा किचन साफ करके गई थी, गंदा किसने कर दिया? अभी देखती हूँ जाके किससे गंदा कर दिया, एक ऐसा चमकाया था ना किचन कि क्या बताऊँ मैं, सारा गंदा कर गया पता नहीं कौन। अरे भाई अम्मी सारा किचन साफ करके आई थी, किचन में कौन गया था? मैं गई थी, मैंने वासिफ के लिए चाय बनाई थी। अरे बहन अगर चाय बना ही ली थी तो वो पतीला भी धो देती, ऐसे ही रख दिया सजा के जैसे इसके नौकर लगे हैं ना यहाँ धोने वाले हम। क्या हो गया, मैं धो दूंगी, मैंने ही रखा था, मुझे पता है धोना है। हाँ तो अब क्या तुम्हारा बाप आके धोएगा यहाँ पे, आपको मैंने कितनी बार कहा है मेरे बाप पे मत जाया करें, तुम्हारे बाप पे भी जाऊंगी, तुम्हारी पूरी पूरी नस्ल पे जाऊंगी मैं। असरा क्या बदतमीजी है ये। अरे भाई अम्मी क्या मतलब है क्या बदतमीजी है, अपना काम पूरा करके आया करें ना,
मुझे पता है मैंने अपना काम पूरा करना है, आप मुझे कहाँ सिखाएं, समझ आइए आपको? बकवास बंद कर अपनी, काली डायन ना हो तो, अपनी शक्ल देखी आपने कभी? कछुआ ना हो तो क्या हर वक्त आप मेरी बीवी को बातें सुनाती रहती हैं? अजरा भाभी आपको और कोई काम नहीं है? अच्छा जी, तुम्हारी बीवी को बातें सुनाती रहती हो, जो तुम्हारी बीवी हरकतें कर रही है उसका क्या? कौन सी हरकत की है? एक बर्तन नहीं धोया? अगर आप धो देंगे तो आपको मौत भी पड़ जाएगी। वासिफ अजरा तुम लोग प्लीज चुप कर जाओ। भाई इनफ यार, भाभी प्लीज चुप कर जाए आप सब। अरे भाई आयशा तुम तो अपना मुंह बंद करके वही बैठो, काली चुड़ैल ना हो तो। सारी उम्र मैं जोकर जबड़े यार। जाओ भाई सब अपने अपने कमरों में जाओ, जाओ अजरा। हाँ भाई सबको कमरों में भेज दे, कभी ये मत कह देना कि अलग अलग घरों में चले जाओ। चलो फरत ऊपर चलो। अरे भाई क्या जरूरत थी ऐसे बहस करने की, बस कर दे अम्मी। बर्तन धोने चाहिए इसको, अब काम कर ही लिए तो धो भी लेते बर्तन। भाभी एक बर्तन ही तो था, अगर आप धो लेते तो क्या हो जाता? तुम धो लो ना जाके, इतना ही हो रहा है तो। आई बड़ी। तो गाइस आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने माई टाउन फ्री कैसे डाउनलोड किया है। तो गाइस ये बहुत ईजी है, आपको हैप्पी मोड से इसका फ्री वर्जन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं उनका अपनी वीडियो में नेम लूँ, तो मैं आप सबका नेम ले लेती हूँ। तो फर्स्ट नेम है अरीबा, रिचा सिंह, राबेल, फातमा, इस्माइल, युफराज, अवंतिका, शिवन्या, मिनाहिल, मिनाहिल की बहन अनाया, मिनाहिल का कज़न रियान, मिनाहिल का कज़न इर्तज़ा, मिनाहिल का कज़न फैज़ान, मिनाहिल की कज़न रुकैया फातमा। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।